आश्रय प्रतिष्ठान मुंबई के अध्यक्ष माननीय श्री नामदेव कदम साहब की ओर से रोटी कपड़ा बैंक को एक रुग्णवाहिका भेंट दी गई, जिसका उद्घाटन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिनव गोयल आईएएस के हाथों रुग्णवाहिका का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय उपजिलाधिकारी श्री प्रवीण मैंगशेट्टी थे और प्रमुख अतिथि माननीय एडिशनल कलेक्टर श्री अरविंद लोखंडे साहब, माननीय मुख्याधिकारी नगर परिषद उदगीर श्री भरत राठौर साहब, तालुका आरोग्य अधिकारी माननीय प्रशांत कापसे साहब थे। मान्यवरों का सत्कार दिव्यांग बच्चों और बेघर साथियों के हाथों किया गया। इसी के साथ रोटी कपड़ा बैंक की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आधार बहुविकलांग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई। इसका भी उद्घाटन इन्हीं मान्यवरों के हाथों किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र में दिव्यांग बच्चों को शिक्षण के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए टिकाऊ पासून टिकाऊ यानी वेस्टेज चीज़ों से टिकाऊ घरेलू चीज़ें बनाना सिखाया जा रहा है, जिसका डेमो मान्यवरों ने साक्षात देखा और दिव्यांग बच्चों तथा बेघर साथियों ने बनाई नर्सरी की पाहनी की गई। कलम कशी बनवायची आणि ते लावायची कसं, नर्सरीमध्ये खूप आमदनी आहे, एक झाड घ्यायला गेलं तर शक्यतो 100 रुपयाला भेटतंय आणि बनवायला आम्हाला 20 रुपये खर्च येईल, त्याचा 80 रुपये कशी आमदनी आहे। तर याचं सगळं जे मुनाफा आहे आपण ते अन्न मुलांना आणि ते बनवलेल्या बेघर लोकांना आपण त्यांना सगळं देतो सर। इसी के साथ मान्यवरों के हाथों वृक्षारोपण के साथ बेघर साथियों को ब्लैंकेट बांटे गए। मान्यवरों ने रोटी कपड़ा बैंक के कामों की प्रशंसा की। और माननीय श्री नामदेव कदम साहब ने रोटी कपड़ा बैंक को और एक रुग्णवाहिका और आर्थिक मदद देने का वादा भी किया। इसी के साथ नगर परिषद उदगीर दिव्यांग बच्चों और बेघर साथियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक वर्कशॉप और आवश्यक वस्तु उपलब्ध करने की बात की।